ईयरफोन हटा रखा है मैंने। मैं जैसे ही ईयरफोन लगा के बात कर रहा हूँ लोगों से, लोग बोल रहे हैं भर 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 आवाज़ आ रही है। एक बार चेक करते हैं। निकाल लिया मैंने, बहुत बुरी हालत है यार। कंगाली में आटा गीला। सब राम राम। नेक टू नेक पहुंचे, नेक टू नेक। आज भाई साहब नहाने में ज्यादा देर लग गई, ठंडे पानी से नहाता हूं मैं, फिर भी सोचो ज्यादा देर लग गई यार। आधे घंटे कौन नहाता है यार। लेखा पढ़ी कर लूं फिर बात करूंगा, रुको। रोज सुबह 7 बजे शहर की नींद खुलती है तभी जब रेडियो सिटी पर आता है। अभी 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 अभी, अभी। ये नया वाला है। रेडियो सिटी पर मैं हूँ आरजे अभी, और आज का दिन हम शुरू करेंगे दो बातों के साथ। वो ये हार और जीत, आप कितनी तेज रेस भाग रहे हैं पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ। कभी रेस लगाना टाइम से, पता लग जाएगा, आप उसे कभी नहीं हरा सकते। दो चीजें हैं जो कि आपकी कभी खत्म नहीं होगी, और वो है प्यार और टाइम। इन दोनों से आप कभी भी नहीं जीत सकते, ये हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि और आप एक चीज को पकड़ के अगर बैठ गए, किसी एक सिचुएशन से टेंशन लेके बैठ गए, तो भाई साहब टाइम निकल जाएगा और आप उसमें बहुत सारे पॉजिटिव या फिर अच्छे काम कर सकते हैं, या फिर अपने गोल्स को अचीव करने वाले काम कर सकते हैं, और आप वहीं रह जाएंगे। तो कभी भी एक ही सिचुएशन में स्टक होने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्यार करते रहिए, टाइम के साथ चलते रहिए, अपने गोल्स बिल्कुल सेट होते रहेंगे। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आरजे अभी आपके साथ, गुड मॉर्निंग। इसी थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, चलिए। ओ भैया आज तो आपको वेलकम ना करो। सो गाइज वेलकम टू द व्लॉग अगेन, मतलब वेलकम टू द न्यू व्लॉग अगेन। और ये जो हमारा थैला है, ये सुबह सुबह जाड़ा लगता है तो हम इसको गर्म कर लेते हैं और हाथ सेक लेते हैं। ये बहुत अच्छी निंजा टेक्निक है। मैं आज ना बात करने वाला हूँ बहुत तगड़ी चीज पे। आपके घर में शादियाँ हो रही है क्या? हो रही होंगी किसी का? पड़ोस में तो हो ही रही होंगी। जीवन में गए थे क्या? नहीं गए? जीवन में भी नहीं गए यार, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो सच में। बुलाया नहीं होगा 100 में है? नाम नहीं आया होगा आपका। खैर आया हो चाहे नहीं आया हो, या फिर आप जाने वाले हैं, तो भाई साहब आज हम रियलिटी चेक करने वाले हैं शादियों की, कि शादियों में कितना जो नियम कायदे हैं उनका पालन हो रहा है। और आप अगर जाते हैं शादियों में तो कितनी सेफ्टी रहेगी आपके लिए, शादियों में जाना कितना सेफ रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे रेडियो सिटी पर। मैं आरजे अभी बात करेगा आज, और आपको सुनाऊंगा क्या बातें हुई, ठीक है? सो देखो गाइस 11:04 हो रहे हैं और आज का हमारा शो खत्म हो गया, जो कि था शादी का रियलिटी चेक। शादी के रियलिटी चेक में हमने बहुत सारे लोगों से बात की, जो कि शादी का ना एक अटूट हिस्सा है। पंडित जी, बैंड वाले भाई साहब, आप लोग जो शादी में जाते हैं, मुझे सुनते हैं रेडियो पे, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया। सुनिए पहला एक्सपीरियंस जो लोग शादी में जाते हैं उनका। हाँ साहब, कौन बात कर रहे हैं? मैं राजेश बात कर रहा हूँ। राजेश जी क्या कहना चाहते हैं आप शादी में जाके, कैसा लग रहा है आपको? मैं ऐसे बता रहा था कि अभी मैं एक शादी में गया था, वहाँ पे मतलब मैं बिल्कुल भूखा आ गया, मैंने खाना तक नहीं खाया, क्योंकि मैंने वहाँ की स्थिति देखी ना, मतलब कोई लोग मास्क नहीं लगा रखा है, किसी ने मतलब सब ऐसे झुंड के बना के बैठे है, मतलब मैंने उनको देख के खाना तक नहीं खाया और मैं वहाँ से निकल गया। कन्यादान तो देख के आ गए थे, नहीं मैं रोटी नहीं खाई यार, कन्यादान नहीं दूंगा, लिफाफा वापस लेके आ गए होंगे। अच्छा अब सबसे ज्यादा रिस्क में रहते हैं पंडित जी। पंडित जी ने क्या कहा वो सुनो। पंडित जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इन दिनों बहुत सारी शादियों में जा रहे होंगे, कभी ऐसा वाक्य हुआ है, आपने फेस किया है कि सेफ्टी प्रिकॉशन कोई फॉलो नहीं कर रहा हो और आपको गुस्सा आ गया हो और आपने कोई कदम उठाया हो, उनको झाड़ा आड़ा हो? है वहाँ पे क्या है कि लोग ना मास्क खोल करके मेरे पास आस पास आ गए थे। अच्छा। तो मैं आप करवा लीजिए शादी, मैं उड़ जा, इस प्रकार अच्छा। की महामारी चल रही है और आप इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैंने उनको उस टाइम में डांटा भी था, फिर लोगों ने मास्क भी लगाया और किया है उन्होंने, उसके बाद में पालन भी किया, उसके बाद में वो
हो सकता है कि जैसे पंडित जी कुछ कह देंगे उस हिसाब से उठ करके दूर भी चले गए थे, उन्होंने पालन किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग बाग कुछ एक लापरवाह है, उनको कहने की और टोंकने की रोकने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है साहब, हमें भी तो अपने मतलब घर जाके आपकी शादी अटेंड करके घर जाना है, घर वालों के पास, उनको सेफ रखना है। बिल्कुल सही बात है साहब। इनके बाद जिन पे नागिन बन के गिर जाते हो ना, वो हमारे ढोल वाले भाई साहब, उन्होंने सोचो क्या कहा होगा। ओह भाई साहब वो तो बहुत परेशान है। सुनो, हाँ तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि आप जब शादियों में जाते हो बैंड वगैरह लेके, तो वहाँ पे लोग आजकल कैसे दिख रहे हैं आपको? मास्क वगैरह लगा के रखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, करीब करीब बहुत कम। वहाँ बाकी बहुत सारे जो समझदार है वो सब मास्क में होते हैं। तो ये बिना समझदार है जिनके घर वाले अमर हैं, उनको क्या कहना चाहते हो आप? क्योंकि भाई साहब मैं और आप तो जाते हैं ड्यूटी है, काम करने, वापस भी आना है, घर वाले भी हमारा इंतजार करते हैं, इनकी वजह से हम बीमार हो गए तो हमारे तो हो जाएगा ना खेल। तो आप इनको क्या कहना चाहते हो कह दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, मैं भी बोल देता हूँ। हाँ। भाई साहब बरातियों से निवेदन है कि हमारे भी बैंड वालों को घर बार है, इनको बेचारों को वापस आना है। हाँ। सुरक्षित आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, इस तरीके से काम करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। तो लापरवाही मत दिखाओ यार, ये सब चीजें मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके फंक्शन में आते हैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के, उनकी खातिर प्लीज मास्क लगा लो। आपके हो सकते हैं कि परिवार वाले अमर हो, पर प्लीज मास्क लगाओ। अब ये व्लॉग हम आगे ले जाते हैं, रेडियो पर बात हो गई है, शो हो गया है, अब हमारे बाकी के जो काम है वो कर लेते हैं। वैसे आज मुझे ना यार बाहर खाने का मन है, अगर लंच में कुछ अच्छा नहीं आएगा ना, मैं भाई बाहर खाने जाऊंगा आज, कुछ भी हो जाए। मुझे बहुत महीने हो गए, मैं तो जाऊंगा यार। जैसा कि मैं मेरे बॉस के पास बैठा हूँ, मेरे बॉस से मैं पूछ रहा था कि मैं क्या जिम जाऊँ, क्या क्योंकि मैं काली कॉफी पी के जिम जाता हूँ। मेरे बॉस ने कहा नहीं और काम कर, और जब तक ये काली कॉफी गोरी नहीं होता तब तक बेटर काम करता है। बाय बाय गार्ड साहब, तू तो आ जा। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा था? बोता अब बोल, बोल दे जो तू बोल रहा था। हेलमेट लगाते टाइम टोपा लगाना चाहिए, कानों में हवा भी नहीं जाएगी, प्लस सिर की सेफ्टी रहेगी। मतलब हेलमेट लगाना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। वर्कआउट डन, चलिए अब लेंगे हम थोड़ी सी बढ़िया वाली डाइट। और अगर हल्दी मिलती है यहाँ पे, हल्दी की सब्जी आपने आई डोंट नो खाई हो ना खाई हो, बट जोधपुर की बहुत फेमस है और वो हल्दी की सब्जी मिलती है यहाँ उदयपुर में एक जगह, हम उसके पास जाएंगे। मेरा बहुत मन हो रहा है क्योंकि टिफ़िन में आज सिर्फ दाल चावल रोटी आई थी, सब्जी नहीं आई थी। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत आज चीट मील कर ले आए, बढ़िया घी में चूर के रोटी और उसके साथ में हल्दी की सब्जी, अच्छा खच कर देंगे आज तो हम। पर उससे पहले जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज हो सकता है 8 बजे मार्केट सब कुछ बंद हो जाता है, तो 8 बजे सब कुछ बंद हो जाए। उससे पहले चलना पड़ेगा, चलिए 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 चलिए। ये सर परेशान हो रहे हैं और ये देखो गाड़ी इनके घर के बिल्कुल सामने लगा रखी। सो अब मैं आ गया हूँ, जो जोधपुर की फेमस हल्दी की सब्जी है वो मिलती है यहाँ पर। मक्के बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, सरसों का साग, हल्दी की सब्जी। एक बार दिखा दो हल्दी की सब्जी जोरदार वाली। ये प्योर घी में, देसी घी में, देसी घी में कैसे बनती है बता सकते हो थोड़ा आप? ये 1 किलो हल्दी में 1 किलो घी लगता है। अच्छा हाँ। और इसमें और कुछ भी है? और लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है, मसाले सारे। अच्छा, मतलब मेन इंग्रेडिएंट हल्दी है इसमें? बिल्कुल, कच्ची जो हल्दी आती है। हाँ, तो एक काम करो आप, क्या भाव दी? 800 रुपए, तो 80 रुपए की 100 ग्राम, तो 100 ग्राम तो सब्जी कर दो। पैक करनी है? हाँ पैक करनी है। और रोटी कौन सी वाली है वो भी बता दो, एक बार दिखा दो। रोटी मक्के की है और बाजरे की है। तो ये बाजरे की? हाँ ये मक्के की। तो आप एक काम करो, मक्के की तो सुबह खाते हैं, बाजरा कर दो आप, 2 रोटी
और हल्दी की सब्जी, और भी ये भी दिखा देना एक बार ये करके। गूगल पे चल जाएगा राइट। तो ले लिया हमने सब्जी और आज चीट मील हो जाएगी थोड़ी सी। जगह बता दो भैया कहाँ पे है? फतेहपुरा पुला रोड, श्री जी होंडा शोरूम के सामने। श्री जी होंडा शोरूम के सामने फतेहपुरा पुला रोड। पुला रोड ओके। ऑफिस आ गया हूँ फिर से। क्यों? क्योंकि भैया थोड़े से काम बाकी थे और ये जो ब्लॉग बन रहा है इसको भी तो कन्वर्ट करना फाइलों को। राज साहब अपन फिर से आ गए हैं। राम राम। अब हल्दी की सब्जी खाएंगे ना यार। बहुत मिर्ची होती बहुत। मैं आ रहा हूँ पानी पीकर को। वापस आ गया इसी सीट पे क्योंकि यहाँ लाइट ठीक आ रही है। देखो ऑफिस में अच्छी जगह है। पीछे हमारी फाइल जो कन्वर्ट हो रही है, अगर हो गई टाइम से तो यहाँ एडिट करके चले जाएंगे, नहीं तो मैं 9:30 से ज़्यादा नहीं रुकूंगा यहाँ ऑफिस में। आज सोना यार। मैं सब्जी जब खाया भाई साहब जोरदार सब्जी, एक तो बहुत तगड़ी हल्दी की सब्जी मैंने मतलब पिछली सर्दियों में खाई थी, अब खाई है। बहुत मन हो रहा था इसलिए मैंने खा ली यार, नहीं तो मैं और मेरी माँ खुश होंगी आज ये व्लॉग देख के कि मेरे बेटे ने आज रोटी खाई है। क्योंकि महीने में एक या दो तीन बार, मुश्किल से 5 बार मान लीजिए मैं रोटी खाता हूँ, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाता। मेरी माँ ने उड़द के लड्डू बनाए और दूध में डाले, घोड़े घी डाला, पी गए, ऐसा सीन है अपना। तो वैसे हल्दी की सब्जी मुझे अच्छी लगी आज, और हल्दी एक ज़बरदस्त मसाला है। और आज के दिन मसाला किंग हमारे बीच में नहीं रहे। सुबह 5:30 बजे हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से धर्मपाल गुलाटी जी को शत शत नमन है। पद्म भूषण मिला हुआ था उन्हें और रोल मॉडल कहते हैं, मसाला किंग कहते हैं। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में MDH जो है बिकता है आज की तारीख में। क्यों बिकता है मैं क्विक स्टोरी बता देता हूं उनकी, अगर आपको नहीं पता तो, कि 5वीं क्लास में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उनका मन नहीं लगता था, वो अपने पिताजी के साथ पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान के ही थे। वहाँ पे इनके पिताजी जो है MDH नाम से दुकान चलाते थे और वहाँ पे उनके साथ लग गए मसाले की दुकान पे। और फिर जब विभाजन हुआ तो ये भारत आ गए। भारत आके दिल्ली आए, तांगा चलाया और वो भी उधार के पैसे से लिया था, नहीं चला पाए साहब, घर नहीं चल रहा था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, अपने पुराने जो धंधे थे पुश्तैनी यानी कि मसाले वाले धंधे को शुरू किया MDH के नाम से। और फिर ये चल गया, आप आज तक जानते हो 100 से ज़्यादा देशों में बिकता है। इनकी जो नेटवर्थ की बात करूँ तो 26,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है MDH की। ये बना के गया वो एक इंसान जो 98 साल तक हमें ये सिखाता चला गया कि अगर आपके बुलंद इरादे हैं तो आप ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। MDH अगर आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ कॉमेंट में आज उनके लिए रेस्ट इन पीस ज़रूर लिख दीजिएगा, RIP ज़रूर लिख दीजिएगा। और हमेशा जब भी आप उनके इंटरव्यू देखेंगे या मैंने उनको जब भी देखा है तो वो जब बात ख़त्म करते थे तो 98 साल के थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने कहा है। और जब वो छोटों से बात करते थे तो हमेशा वो हंसते रहते थे, बड़े तगड़ा ठहाका मारते थे और फिर ये आशीर्वाद देते थे। शांति 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 हो।
तो आपको सही बात बताऊं तो मैं सो गया था, और हुआ ये कि ईयरफोन टूट गया, अपन ने फिर स्पीकर पे रख के मम्मी से बात कर रहे थे, मैंने कहा नींद आ रही है, बात करते करते मम्मी से सो गया मैं। आप ही सोच रहे होगे झूठ बोल रहा है, मम्मी से बात करने हैं, मेरी मम्मी देखती है व्लॉग, समझ में आई ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और मैं अब डेली ये प्रैक्टिस करूँगा कि सोने से पहले आपको कोई एक नई चीज़ जो कि मैं खुद सीखता हूँ पूरे दिन में, वो आपको सिखाऊँ। और आज मैंने एक शब्द सीखा है, उसका नाम है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है, स्क्रॉलिंग का मतलब आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं आप ऊपर, ठीक है। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं, और ख़ासकर वो चीज़ होती है न्यूज़, कोई नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव अपडेट जिसका आप सोचते हैं, आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि यार कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं हो गया यार, मैं चेक कर लेता हूँ, इस जगह भी चेक कर लेता हूँ। खासकर सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ चेक करना, वो जो हमारी ब्रेन में डेवलप हो जाती है एक प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग। और आप उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक काम कीजिएगा, सोशल मीडिया के पीक आवर्स जो होते हैं मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से और 11 बजे तक, और रात को भी 8 बजे से और 11 बजे तक, उसमें 2 घंटे का गैप आप छोड़ दो, उस 2 घंटे आप सोशल मीडिया यूज़ ही मत करो प्लीज़, इससे आप डूम स्क्रॉलिंग से बच सकते हैं। सो इतना बहुत है, कल फिर से हम बताएंगे। और ईयरफोन टूट गया यार, एप्पल का ईयरफोन टूटता है ना भाई, बहुत दुख होता है। अब देखते हैं वो शायद वारंटी पीरियड में है या नहीं है, चेक करवा के आएंगे, 6 महीने तक होती है, 1 साल तक होती है एक्सेसरीज़ की, मुझे नहीं पता। चलो कल चलते हैं अपने उनके पास, क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर वालों के पास, वो बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अब मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट, बाय बाय। ये गुड नाइट करने के लिए फिर से जागा था मैं, और सुसू करने के लिए भी, तो अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना है यार, 5 बजे उठ जाऊँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ अपने किसी 2 दोस्तों को ना सब्सक्राइब करवाना, ध्यान रखना, ये कसम खा लो तुम। और कमेंट जो बेस्ट वीडियो का पार्ट लगे ना, उसको कमेंट कर दिया करो चुपचाप, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगली वीडियो के लिए थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है। प्लीज़ कर दिया करो यार, आपका कुछ नहीं जाता, 2 मिनट लगते हैं, लाइक का बटन जो थम्स अप का बटन है उसको दबा दो, कमेंट कर दो कि अभी यार तुम जो सुबह सुबह बताते हो रेडियो पे हैं बातें, वो मस्त लगती है, या फिर ये जो लास्ट वाला सेगमेंट मैंने अभी आज से स्टार्ट किया है वो अच्छी लगा, प्लीज़ ये बता देना कमेंट करके। अब बाय, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, गुड नाइट।